जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। 20 जुलाई 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की जाएगी, किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापना की जाएगी। ये संस्था का स्थापना हल्दी का अत्यधिक उत्पादन होता है कहाँ, तमिलनाडु में, इसलिए इसका स्थापना किया गया तमिलनाडु के लोगों को आय बढ़ाने के लिए। और ये जो हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की जाएगी तो इसका जो लागत है 6 करोड़ इसका लागत है। अब बात है तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, सीएम कौन थे, एनपी के किरपलानी स्वामी, गवर्नर कौन है तो बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंदी मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर 2। अब बात है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, सीएम कौन है तो मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर। अब हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और वहाँ योगशालाएं खोली गई हैं जिसमें आयुष असिस्टेंट कितना 1000 है और आयुष कोच 22 है और 75 निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी है। इसमें निजी क्षेत्र के लोग काम करेंगे और जिसका मासिक वेतन 50,000 से कम रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर है। हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड को कोच विकसित किया है, तो कपूरथला, ये कपूरथला कहाँ है तो कपूरथला पंजाब में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में 795 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है, किस राज्य में, तो ये पश्चिम बंगाल में 795 करोड़ की मंजूरी दी है। तो पश्चिम बंगाल में आए अफान तूफान से उसमें हुई हानि को क्षतिपूर्ति करने के लिए ये 795 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अब बात आए नाबार्ड, नाबार्ड का नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1982 में, हेडक्वार्टर कहाँ तो मुंबई और इसका अध्यक्ष कौन है, कोविड राज निराला, राजदू निराला। अब पश्चिम बंगाल में संधानी ऐप जो लॉन्च किया गया ट्रैक करने के लिए और सुंदरबन और बोक्सा नेशनल पार्क तो पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा महानंदा बिल्ड वाइफ सेक्रेटरी कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में 2 योजना कौन है, मातिर स्मृति योजना और कौन है स्नेहर पोरोस योजना पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ का नियुक्त किया गया है, तो ये फेडरल बैंक का, इसकी स्थापना कब हुआ तो 1931 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो अलुया जो केरल में, अलुया जो कहाँ है केरल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है, तो अपने देश भारत ने भूटान के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। अब ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
आठ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने जो आंगनबाड़ी उनका आशा और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है। अब बात है कहाँ का, तो ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और ओडिशा के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन, तो मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश है। और मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल लागू किया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड वहाँ लागू किया गया है। ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और क्या है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने विलारियल को हराकर फुटबॉल क्लब में 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो 2023 तक। जो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने इनकी घोषणा की है रेल नेटवर्क जोड़ने की। अब बात आते हैं रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का रेल मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला रेल मंत्री जॉन मथाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हाल ही में द स्टडी ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो स्टीव बॉ जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या कितने मिलियन में गिरावट आई है? तो 60 मिलियन गिरावट है। पहले 25 करोड़ कुपोषित लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 19 करोड़ लोग कुपोषित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने ने ग्राहकों के लिए होम लोन लॉन्च किया है? तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किया है, लॉन्च किया है। किसने किया था? बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो ओडिशा की राज्य सरकार ने। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।